बेटा आपका छोटा छोटा बेटा क्या एक नंबर गाड़ी चलाता है स्कॉर्पियो। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अभिषेक, आप देखें मिथिला ब्लॉग यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों अभी हम लोग जो है ना दरभंगा से जयनगर का ट्रिप होने वाला है। ये फैमिली ट्रिप है, लेकिन इसमें एक कमी है कि भैया साथ में है, बाकी सब को है। यहाँ पीछे हो गई मम्मी फ्रॉम रीमा किचन यूट्यूब चैनल, बिहार झारखंड का नंबर 1 रेसिपी यूट्यूब चैनल रीमा किचन। कैसे मम्मी और सब? और सब बहुत अच्छा है। बेटा आपका छोटा छोटा बेटा क्या एक नंबर गाड़ी चलाता है स्कॉर्पियो। और बाहर पापा है, पापा इधर है, चुपके चुपके गाड़ी के पीछे जो देख रहे हैं उधर पापा है, पापा उधर खड़ा होकर के। अभी हम लोग एक्चुअली एयरपोर्ट का थोड़ा सा रुके हुए हैं, थोड़ा सा ब्रेक लिए हैं, तो पापा उधर खड़े हैं, मतलब बाहर वाले रुको फ्रेश हवा खाने दो, बात वही है। और रास्ते में कुछ दिखाने लायक है नहीं, तो डायरेक्टली आप लोग से गाँव में पहुँच करके बात करते हैं। रास्ता में वही रोड है, NH 105 है, न्यू नेम इसका कुछ और आई थिंक, हमको नहीं मालूम है इसका न्यू नेम। और बस यही कहानी है दरभंगा एयरपोर्ट पे। DVOR का सिस्टम शायद लग गया क्योंकि हमको लाइट नज़र आ रहा है यहाँ पे, और बस मिथिलांचल में प्रोग्रेस हो रहा है। तो मिलते हैं आप लोगों से डायरेक्टली गांव में, क्योंकि रोड में कुछ दिखाने लायक है नहीं और फैमिली ट्रिप है, तो ज़्यादा मतलब फैमिली को टाइम देना चाहिए इसके लिए। ठीक है, मिलते हैं आप लोगों से बाद में। तो अब टाइम आ चुका है कि गाँव से वापस जाएँ। गाँव का मैं उतना ब्लॉग ले नहीं पाया बिकॉज अंकल आंटी सबको जानते हैं, ऐसे मिलना जुलना हुआ, दादी माँ सबसे मिले। और यहाँ पर देखिए स्कॉर्पियो चमचमाता हुआ, मम्मी एवं पापा। स्कॉर्पियो का अलग ही मज़ा यार चलने में। तो अभी बात यह ना कि अभी हम लोग जा रहे हैं दरभंगा की तरफ, NH 57 डायरेक्ट यहाँ पे स्टेट है दरभंगा, लगभग 55 किलोमीटर की दूरी पे है। और वहाँ तो मम्मी तो आप लोग से डायरेक्ट हम लोग मिलते हैं, ये देख लेंगे, पहले दिखाते हैं। मम्मी मिथिला ब्लॉग यूट्यूब चैनल का आपका बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद है रीमा किचन की तरह ये भी मिथिला ब्लॉग आगे जाएगा, जरूर आपका आशीर्वाद रहा, बहुत आगे जाएगा। आज इस लाइक हमको बना दिए कि हम स्कॉर्पियो को ड्राइव कर रहे हैं, सब इन दोनों का ही आशीर्वाद है। और इस लाइक हम बन जाएंगे तो क्या आशीर्वाद से बनेंगे कि आप सबको हम रिप्रेजेंट कर सके पूरे वर्ल्ड लेवल, मतलब वर्ल्ड लेवल पर आप सबको रिप्रेजेंट कर सके। तो डायरेक्टली आपसे मिलते हैं दरभंगा में जब पहुँचते हैं, रास्ता में कुछ दिखाने लायक है नहीं, तो डायरेक्टली मिलते हैं आप लोगों से दरभंगा में। तो मित्रों, मेरे प्यारे भाइयों और उनकी बहनों, बात ऐसा है ना कि अभी रहिका में है, मम्मी को कुछ सब्जी लेना था, तो यहाँ पर रहिका का बहुत बड़ा मार्केट है सब्जी का। और रहिका जो है ना मधुबनी डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, और रहिका का मतलब सब्जी नॉर्मल मार्केट है, मतलब क्या कह सकते हैं, शहर का मेन हेड जो होता है ना रहिका में। और दूसरी बात ये कहेंगे, मतलब कहा जा सकता है कि ऑल ओवर द मधुबनी का जितना भी बालू का रिक्वायरमेंट होता है ना, सब ये रहिका मतलब पूरा करता है। और रहिका का अपना एक अलग इतिहास है, इसके ऊपर वीडियो मैं सोच रहा हूँ बनाऊँ कि ना बनाऊँ, बिकॉज ये सब जो हो गया, जैसे मधुबनी वो मेरी जन्मभूमि है, जन्मभूमि मधुबनी जैसे रांची पागलखाना नहीं, मतलब रांची जन्मभूमि है, बट मधुबनी मतलब पले बड़े हैं ना, इसीलिए हम लाइक बोले, जैसे 2-3 साल जो है ना गाँव में ही रहे, बाकी तो हम शहरी शहर, जैसे कि लाइक मेरा पहले जन्म हुआ था रांची में, और रांची के बाद डायरेक्टली हम दो साल के लिए आई थिंक 2 से 3 साल के लिए गाँव थे, और गाँव के बाद फिर दरभंगा ही रहना शुरू कर दिया। तो कहेंगे यही कि मतलब सोच रहे थे कि अपना मिथिला जो है ये मिथिला, अरे सर शांत हो जाइए, आप शांत हो जाइए, क्लेम आ जाएगा। कहने का ये मतलब अपना जो मिथिला है ना, मिथिला के अंदर मधुबनी भी आता है, नहीं मतलब मेन मधुबनी और दरभंगा मिथिला हुआ, अंदर नहीं आता, मतलब मेन दोनों यही हुआ। तो सोच रहे थे इस सब के बारे में, अपना एक इतिहास सब कुछ रखता है, और तो वीडियो बनेगा इस सब के ऊपर भी, आप इंतजार कीजिएगा और जुड़े रहिएगा मिथिला ब्लॉग्स के साथ। और दूसरी बात ये कि ये रहिका मेन एक्चुअली बालू के लिए जाना जाता है, यहाँ पे बालू टॉप ग्रेड मतलब लो ग्रेड से लेकर के टॉप ग्रेड हर तरह का बालू मिलता है, मतलब जैसा दाम वैसा काम। और सामने क्लॉक हो गया रहिका का मेन, अभी शहर में मेन टाउन रहिका का आप यही कह सकते हैं, यहीं से सारा डील सब कुछ होता है। पीछे जो है ना मतलब यहाँ से पीछे 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 तो पीछे पीछे देखो पीछे तो पीछे का पीछे बात ये है कि वहाँ पर मतलब बालू सबका डील होता है, यहाँ पर वो एक ट्रैक्टर दो ट्रैक्टर मतलब लोग कम ही खुदरा में खरीदते हैं, यहाँ से एक ट्रक दो ट्रक ऐसे करके बालू जाता है। स्कॉर्पियो अपनी जान मेरा गाड़ी है, अंकल जी मेरे नहीं है, मतलब स्कॉर्पियो मेरा है, समझे। अभी 5:35 हो रहा है, और पीछे वहाँ पर स्कॉर्पियो वहाँ पे पार्क कर दिए, आप लोग आई थिंक दिख रहा हो, वो जो आप दूर देख रहे हो, ये नहीं ये तो दूसरे है, वो सबसे पीछे जो है स्कॉर्पियो पार्क कर दिए। और आप सोचिएगा कि अभी से एक बार और रुक रहा है, रहिका में रुका था अब यहाँ पे, तो कहानी आपको बताते हैं कि यहाँ पे ना जैसे हम लोग का श्यामा माई का मंदिर हो जाता है ना दरभंगा में, वैसे भोलेनाथ का, ऐसे तो सब मंदिर अपने आप में बहुत महत्व रखता है, सबका अपना अपना अलग कथा है, पौराणिक मतलब जिक्र है सबका, बट कपिलेश्वर स्थान ये है भोलेनाथ का मंदिर, जयनगर के कमला नदी से मतलब जल उठा करके यहाँ पर सावन में दिया जाता है, ये भोलेनाथ का बहुत फेमस मंदिर है, कपिलेश्वर स्थान इसको कहा जाता है, कपिलेश्वर।
ठीक ना। तो ये कुछ है यहाँ का। अभी हम लोग रुके हैं जस्ट नाश्ता करने, क्योंकि सुबह से कुछ खाए नहीं थे, डायरेक्टली नाश्ता किए थे मॉर्निंग में और डायरेक्टली वहाँ से निकल गए थे। तो अभी यहाँ पे पीछे जो आप देख रहे होंगे वो भाई आपका मंदिर होगा कपिलेश्वर स्थान, और यहाँ पे नाश्ता करने के लिए रुके हैं। और हेयर का हालत देख सकते हैं, नाश्ता कर लेते हैं फिर बात करते हैं आप सबसे। अभी जस्ट दरभंगा पहुँचे हैं, और बात यह है ना कि मम्मी और पापा दोनों बाइक से गए, हमको थोड़ा चलने का मन था, मतलब पैदल जाने का, जस्ट उसके लिए हम पैदल निकल रहे हैं। और यह देखिए अग्रवाल द शॉपिंग मॉल अग्रवाल के पास है, और बस यही कहानी है कि पहुंच गए सही सलामत पहुंचे। और हम भगवान को इतना ही मतलब थैंक्स कहेंगे कि हम मतलब हमको जो है उस लाइफ बना दिया कि आज हम माँ बाप को जो है ना कहीं भी खुद के दम पे ले जा सकते हैं। लाइक जैसे आज कार था यार, तो हम खुद ड्राइव करके उनको ले गए। आज ऊपर वाले ने मुझे इस मतलब मुकाम पर पहुँचाया, उसके लिए मैं बहुत धन्यवाद मतलब बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ उनको। और उनके साथ मतलब जितना जितना मतलब थैंक यू बोलूँ भगवान को उतना कम है मेरे मतलब मेरे तरफ से। क्या बोलें यार, सब ने मतलब एक शब्द जो होता है वो नहीं मिल पा रहा भगवान को कहने के लिए, मतलब जस्ट क्या कहते हैं वर्डलेस, कोई वर्ड नहीं मेरे पास। और बस यही कहानी है, पापा मम्मी गए हैं और अब हम जा रहे हैं घर की तरफ। गांव का आपको सीन दिखाई, माफ़ी चाहते हैं आपको पूरा नहीं दे पाए, बट आज से 10 दिन बाद, करेक्ट 10 दिन बाद कैलेंडर ओपन में आप टिक मार्क कर लीजिए, मेरा गाँव का फुल वीडियो आपको मिलेगा, समझे, मतलब 10 दिन बाद करेक्ट आपको गाँव का वीडियो मिल जाएगा। और अभी थक गए हैं बहुत बहुत ही ज़्यादा, तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। उम्मीद करते हैं आपको एक छोटा सा वीडियो पसंद आया, वीडियो को लाइक कीजिए, नहीं पसंद आया तो एक डिसलाइक कीजिए, और बताइए कि आपको इस वीडियो में क्या कमी लगा जिससे हम खुद को इम्प्रूव कर सके। और चैनल को सब्सक्राइब करना भी नहीं भूलिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो फिर मिलते हैं आपसे अगले नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।